आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी रायपुर गौरव कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ओपी शर्मा, समस्त नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारियों सहित प्रशासनिक अमला लोकसभा चुनाव ड्यूटी हेतु उपलब्ध अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ एवं एसएसबी की 18 कंपनियों सहित रायपुर पुलिस के सैकड़ों अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च को लेकर रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह ने कहा कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। हमें बाहर से भी बल मिले हैं, सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बल की लगभग 18 कंपनियां आवंटित की गई है। लगभग 400 बूथों को राजनीतिक रूप से संवेदनशील के रूप में परिभाषित किया गया है। उन बूथों पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाएगी। जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर के सुरक्षा जो व्यवस्था है, हम लोग पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव जो है आगामी समय में शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, जिसके लिए हम लोग को बाहर की भी फोर्सेस मिली है। पैरामिलिट्री सीएपीएफ की लगभग 18 कंपनियां हम लोग को अलॉट हुई है, जिसमें सीआरपीएफ और एसएसबी की कंपनियां हैं। ये कंपनियां अभी बस्तर में चुनाव कराने के बाद यहां आई हैं। इनका आज इंडक्शन भी हुआ। फ्लैग अब हम लोगों ने इनको एक टास्क दिया है कि जगह जगह जो कंपनियां डिप्लॉयड है, पहले तो बूथ भी उनको घूमना है, साथ ही साथ ये एक फ्लैग मार्च के रूप में सारी जगह सभी एरिया को डोमिनेट करेंगे। एक इससे एक मैसेज जाता है कि जो लोग बदमाशी करते हैं वो लोग अलर्ट हो जाएं, क्योंकि फोर्सेस सुरक्षित शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। साथ ही साथ जिला बल की भी जो फोर्सेस है, दूसरे जिलों से भी हम लोग को आवंटित हुई है, उसको भी हम लोग आगामी चुनाव में लगाएंगे। अभी प्रिवेंटिव एक्शंस में बदमाशों के ऊपर भी लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। आप देखेंगे धरपकड़ भी काफी कर रहे हैं, बहुत सारे फरार आरोपियों को भी हम लोग पकड़ रहे हैं। जो आर्म्स लाइसेंस जो लाइसेंसदारी है उनसे भी वेपन भी हम लोग अभी सभी जगह जमा करवा रहे हैं। साथ ही साथ एसएसटी, एफएसटी, क्यूआरटी, अलग अलग जगह पुलिस नाके, इन जगहों पे भी पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है। एक पूरा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया है ताकि चुनाव को बहुत ही अच्छी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। जिले में लगभग हम लोगों ने अपने हिसाब से कि जो पॉलिटिकल सेंसिटिव बूथ, जिसको हम लोगों ने पुलिस के हिसाब से उनको परिभाषित करते हुए, वहां एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग लगा रहे हैं। ऐसे लगभग 400 से ज्यादा बूथ है जो फाइनल स्टेज, अभी फाइनल नंबरिंग हम लोग कर रहे हैं। उन जगहों पे एक जिला बल का जवान, कोटवार, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री का हाफ सेक्शन भी डिप्लॉयड होगा, ताकि वहां की व्यवस्था अच्छे से सुनिश्चित किया जा सके।